हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी, जैसे अभी 21 तारीख को आप लोगों का पेपर है और आप सभी उसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और आप अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और उसी बीच में मैं आप लोगों के लिए पिछले वर्षों में जो पेपर आए हुए हैं उन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि साल भर से हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन्हें बार बार हमें पलटाना पड़ता है, देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और इसीलिए परीक्षा के एक दिन पूर्व मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको याद रहे। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए खास स्पेशल बनाया गया है। लास्ट 2010 से लगा करके 2022 तक के जितने भी पेपर हैं उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए हैं हम उन सभी को उसमें शामिल करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अभी इसमें सबसे पहले हमारे सामने दिया है बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2010। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इतना जो पीछे है वो कैसे आ सकता है, तो हमारा सिलेबस एक जैसा है, ठीक है। अब इस सिलेबस में कोई चेंजेस तो है ही नहीं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब वही के वही रहते हैं, केवल उनको बदल दिया जाता है, ठीक है। तो हम इन सभी को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया है सही जोड़ी। अब इसमें 2010 का है, मतलब कुछ पहले पत्र से रिलेटेड जो व्यापारिक पत्राचार होता था उससे रिलेटेड पहले एक चैप्टर था, उसको हटा दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सही जोड़ी में यहाँ पर क्या दिया है। अभिवादन हमारे इसमें नहीं है, ठीक है। अनुशासन का सिद्धांत, अब हम सभी को मालूम है कि जो प्रबंध के सिद्धांत है हेनरी फ्योल और FW टेलर ने दिए हैं। हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है और FW टेलर को वैज्ञानिक सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये दो बातें तो याद हो जाएगी, मतलब इसके साथ में हम और भी हमारे सामने वो बातें निकलती जाएगी जो हमें याद रहेगी। अब हेनरी फ्योल के द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए हैं। भाई, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनरी फ्योल को। और हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए हैं और उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कौन सा, अनुशासन का सिद्धांत। तो फ्योल के द्वारा ये अनुशासन का सिद्धांत दिया गया है। फिर प्रयोग, जब भी प्रयोग की बात आएगी तो प्रयोग किसने किए हैं, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, ये सारे जो प्रयोग है ये किसके द्वारा किए गए हैं, तो FW टेलर के द्वारा किए गए। तो यहां पर आ जाएगा FW टेलर, ठीक है। तो ये दो चीजें जो थी वो हमारे काम की थी इसमें। अब आगे हम बढ़ेंगे विकल्प में। तो विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है। बच्चों, हम सभी को मालूम है प्रबंध का पहला कार्य नियोजन और प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण है। प्रबंध का मुख्य कार्य, प्रबंध का सहायक कार्य। तो प्रबंध के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये पांच प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा यदि कुछ पूछा जाता है तो वो सभी सहायक कार्य होंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर जैसे पूछा है कि प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है, तो प्रबंध का पहला कार्य कौन सा है, नियोजन है। फिर है सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। तो सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधारों के लिए कदम उठाए गए थे 1991 में, जुलाई 1991 में, ठीक है। तो उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सरकार के द्वारा सुधार के कदम उठाए गए थे। तो सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है, कमी करना मतलब उदार होना। तो ये किसके अंतर्गत होता है, उदारीकरण के अंतर्गत होता है। नियंत्रण व प्रतिबंध, जैसे नियंत्रण और प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब लाइसेंस, बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे थे जिन पर कंपनी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इनको शुरू नहीं कर सकती, तो सरकार ने उन पर उनके प्रति उदार हो गई उदारीकरण में। और बहुत सारे जो नियंत्रण जो थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको, उनमें ढील दे दी गई, तो ये कहलाता है उदारीकरण। कर्मचारी के चयन भी किया जाता है, जब ये नियुक्तिकरण से रिलेटेड है, तो कर्मचारी का जब भी चयन होगा तो वो चयन की प्रक्रिया में क्या होगा,
व्यक्तित्व परीक्षण, फिर बुद्धि परीक्षण, रुझान परीक्षण, ये सभी। तो हम सभी अभी 12वीं के बाद में कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, और यदि आप किसी एग्जाम में किसी फॉर्म भरेंगे तो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण भी होगा, आपकी बुद्धि का परीक्षण भी होगा, और आपके रुझान का एप्टीट्यूड परीक्षण भी होगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, ये सभी। आगे बढ़ेंगे, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, अब यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋण पत्र, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश और ऋण। अब देखिए, कभी भी आप जब भी आंसर लगा रहे हो तो आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल अंधी दौड़ मत लगाइए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप चारों ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, नहीं तो यही क्वेश्चन को कई बार उन्होंने अलग अलग तरीके से पूछा है। जैसे यहां पूछ लिया है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, तो आगे और आने वाले पेपर जो है उनमें आपको वो अलग तरीके से दिखाई देगा, वहां मैं आपको बताऊंगा। यहां पर चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको चुनना है, अपने मन का दिम, अपने मन के घोड़े नहीं दौड़ाना। चार ऑप्शन दिए, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ऋण पत्र, उस पर ब्याज देना पड़ता है, पूर्वाधिकार अंश, इस पर भी एक निर्धारित दर से आपको लाभांश देना पड़ता है, समतांश पूंजी, समतांश पूंजी यहां पर, और ऋण, ऋण और ऋण पत्र दोनों पर ब्याज देना कंपलसरी होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी आपको लाभांश देना ही पड़ेगा, मतलब ये एक प्रकार से बर्डन है। ठीक है, अब क्या बचा, समता अंश पूंजी। भाई अंश पूंजी एक ऐसी पूंजी होती है जो आपके लिए एक प्रकार का बर्डन नहीं है, अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, लेकिन समता अंश पूंजी सबसे सस्ती, सबसे सस्ता स्रोत है वित्त के लिए। इन चार ऑप्शनों में भाई यहां पर हम किसकी, किसके बीच तुलना करेंगे, इन चार के बीच तुलना करेंगे, तो सबसे सस्ता स्रोत कौन सा हो गया, समता अंश पूंजी। अगला है स्कंद विपणी कहलाती है, स्टॉक एक्सचेंज। देखो जो बाजार है दो प्रकार के होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। अब पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार ये दो प्रकार के बाजार हो गए। इसमें पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का पहली बार निर्गमन होता है, और द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियां बार बार क्रय की जाती है और विक्रय की जाती है। तो यहां पर है कि स्कंद विपणी, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब ही होता है बार बार लेना और देना, बार बार खरीदना और बेचना। तो स्कंद विपणी कहलाती है द्वितीयक बाजार, मतलब सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, इसी को हम स्कंद विपणी कहते हैं, इसी को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, रिक्त स्थानों की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है कि प्रबंध, जन्मजात एवं खालिस्तान प्रतिभाएं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो और ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। फिर आ रहा है उद्देश्य, उद्देश्य खालिस्तान प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भाई खालिस्तान प्रबंध द्वारा, यहाँ पर प्रबंध का प्रकार पूछा है, तो प्रबंध के तीन स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अभी तीन स्तरों में से जो उद्देश्य है व्यवसाय के लिए, संस्था के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, उद्देश्य वो निर्धारित करेगा। भाई उद्देश्य मतलब कंपनी क्या करने वाली है, वो उद्देश्य तय करना। अब उद्देश्य कौन तय करेगा, जो शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा वही उद्देश्य तय करेगा। तो इसलिए उद्देश्य शीर्ष प्रबंध द्वारा तय किए जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा शब्द आएगा उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा, तो ये भी गलत नहीं है। कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये भी गलत नहीं, उच्च स्तर को ही हम शीर्ष स्तरीय प्रबंध कहते हैं। फिर है खालिस्तान कठोर निर्देश, कठोर शब्द आ गया मतलब नियम, नियम हमेशा कठोर होते हैं, यदि वो कठोर नहीं होंगे तो उनको हम नियम नहीं बोलेंगे, तो नियम हो गया। भारत में आर्थिक सुधार सन खालिस्तान में शुरू किए गए, वे आर्थिक सुधार हम सभी को मालूम है 1991, ठीक है 1991, और इसके पहले यदि आप जुलाई जोड़ देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, जुलाई 1991 में शुरू किए गए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत क्या क्या हुआ था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान स्रोत है, वे भर्ती के दो प्रकार है, भर्ती के जो स्रोत है वो स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक मतलब फर्म के अंदर के लोगों को ही भर्ती कर लिया जाता है, और बाह्य मतलब बाहर से लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
अब यहाँ पर कि पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, पदोन्नति करना मतलब पूर्व से कार्यरत जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को ही पदोन्नत कर दिया जाता है और बड़े पद के ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये अंदर का व्यक्ति हो गया, मतलब ये कौन सा स्वरूप हो गया, आंतरिक स्रोत हो गया, पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत। तो ये थे हमारे वही के वही क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को समझना है। अब एक शब्द में अंतर देंगे, एक शब्द में स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए इस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं बताऊंगा कि पूंजी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और दूसरी कार्यशील। स्थायी पूंजी का उपयोग हमेशा स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है और कार्यशील पूंजी का जो प्रयोग है व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। यहां पर स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए इस पूंजी का प्रयोग किया जाएगा, तो स्थायी संपत्ति के क्रय के लिए स्थायी पूंजी का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, स्थायी पूंजी जो कि अंशों से प्राप्त की जाएगी, ऋण पत्रों से प्राप्त की जाएगी, दीर्घकालीन जो ऋण होंगे अंश पूंजी होगी, पूर्वाधिकार अंश है, समता अंश है, उनसे जो पूंजी प्राप्त की जाएगी वो स्थायी संपत्ति होगी, स्थायी पूंजी होगी, और उस स्थायी पूंजी से ही आप स्थायी संपत्तियां खरीदेंगे। ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है, तो जब मार्केट में मंदी काल हो, मंदी काल मतलब जब तेजी बाजार में अर्थव्यवस्था में जब तेजी होती है या फिर मंदी होती है, मंदी मतलब जब ज्यादा पैसे का चलन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट डाउन होने से आपको जो ऋण है वो आसानी से मिल जाता है। तो कंपनी जब ऋण पत्र जारी करेगी तो आपको सबसे कम रेट पर, कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाएगा, और ऐसी कंडीशन में कंपनियां क्या जारी करती है, ऋण पत्र जारी करती है मंदी काल में। ठीक है, फिर है, अब यहां पर एक आंसर आप दे रहे होंगे, कौन सा आंसर दिया गया है, ब, लाभों के बढ़ने पर। भाई लाभ कब बढ़ेंगे, जब आपको लाभ बढ़ेंगे, जब आप ऋण पत्र मतलब ब्याज देने की क्षमता आपके पास होगी तभी तो आप ऋण पत्र जारी कर पाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर है मंदी काल में। फिर है, मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है। भाई जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है और पूंजी बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण है वह हमारे देश की केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो है, कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा उसका नियंत्रण किया जाता है। और जो पूंजी बाजार होता है, उस पूंजी बाजार का जो नियंत्रण है वो सेबी के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संस्था है। तो मुद्रा बाजार का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है उसके ऊपर, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक कौन सा है, हम सभी को मालूम है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किस बाजार में होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। अब मुद्रा बाजार तो अल्पकालीन प्रतिभूतियों में काम करता है और पूंजी बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में काम करता है। तो दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में काम करने वाला जो पूंजी बाजार है, वह पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा द्वितीयक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी की पहली बार अंशों का निर्गमन होता है, पहली बार अंशों का जो निर्गमन है वह कहां पर होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार में होता है। तो ये नई प्रतिभूतियां, पहली बार मतलब नया, तो नई प्रतिभूतियों का जो निर्गमन किस बाजार में होता है, तो वह प्राथमिक पूंजी बाजार में होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार। भाई केवल हमारा उद्देश्य एक प्रश्न को पढ़ना नहीं है, इन प्रश्नों के साथ में और भी जो बातें मेरे साथ सामने आप लोगों के सामने आ रही है, जैसे अभी जो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है, पूंजी बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है, द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियां बार बार क्रय विक्रय की जाती है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, क्रय विक्रय करता है, और पूंजी बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय करता है। तो इसके आधार पर बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहे हैं, दूसरे प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं। आगे चलेंगे, भारत में प्रतिभूतियों के बाजार का
नियमन किस संस्था द्वारा किया जाता है, ये प्राथमिक बाजार द्वितीयक बाजार का कंट्रोल कौन करता है, तो अभी मैंने बताया था कि मुद्रा बाजार को केंद्रीय बैंक करता है और पूंजी बाजार को सेबी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रतिभूति नियमन जो संस्थान है, प्रतिभूतियों का नियमन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये संस्था की स्थापना की गई सेबी की 1992 में, ठीक है 1992 में, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ेंगे सत्य असत्य की तरफ चलेंगे, तो सत्य असत्य में सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य, वे प्रबंध के मुख्य कार्य पांच है, नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन नियंत्रण। अब बताइए पांच कार्यों में सहकारिता कहीं पर आई क्या, नहीं, इसका मतलब सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है नियंत्रण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, वही नियंत्रण और नियोजन ये दोनों घनिष्ठ है, नियोजन और नियंत्रण ये दोनों सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं है और इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। नियुक्तिकरण मानव संसाधन नियोजन का एक अंग है, बिल्कुल मानव संसाधन का नियोजन करना मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति करना और नियुक्तिकरण प्रबंध का ही एक कार्य है और ये उसका एक अंग है और इसलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। बजट, अब बजट शब्द जब भी आए इसका मतलब बजट बनाना है, तो भविष्य का पूर्वानुमान लगाना और भविष्य का किसका पूर्वानुमान लगाना, हाथ की रेखाएं नहीं देखना, भविष्य में आपको कितना पैसा मिलने वाला है और उस पैसे का उपयोग आप कहाँ कहाँ करने वाले हो, इसका पूर्वानुमान करना ही बजट कहलाता है। तो बजट भावी अनुमानों पर आधारित होता है, भावी मतलब भविष्य पर आधारित होता है और अनुमानों पर आधारित पूर्वानुमान लगाना, भाई कल मुझे कितना पैसा मिलेगा और उस पैसे का मैं उपयोग कहाँ करूंगा, ये बजट हो गया, ठीक है। तो ये बजट भावी अनुमानों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अगला है वित्तीय प्रबंध, सामान्य प्रबंध का एक अंग है, सामान्य प्रबंध मतलब एक पेड़ हो गया, ठीक है, सामान्य प्रबंध एक पेड़ हो गया। अब उसकी अलग अलग शाखाएं हो सकती है, उसकी अलग अलग शाखाएं हो सकती है, एक वित्तीय प्रबंध भी हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत सारे जितने भी प्रकार के जो प्रबंध है सामान्य प्रबंध की शाखाएं कहलाएगी। तो वित्तीय प्रबंध जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी सामान्य प्रबंध का एक अंग है और ये क्या है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा 2010, अब हम आगे बढ़ेंगे 2011 की तरफ, कि 2011 में हमारा जो पेपर है वो किस प्रकार से आया था 2010 के। अब देखना, अब आप देखे जाओगे हर वर्ष के जो पेपर है उनका जो पैटर्न है, उनके जो क्वेश्चन है वो सभी आपको मिलते जुलते मिलेंगे, केवल आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए 2011 बोर्ड परीक्षा का, अब आ गया पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे खालिस्तान स्तर का होता है। अब मैं देखो इसके साथ और भी दूसरे प्रश्न बन रहे हैं, प्रबंध के कितने स्तर है, तीन, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर को शीर्ष स्तर भी बोलते हैं, निम्न स्तर को पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी बोलते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध भी बोला जाता है। तो पर्यवेक्षकीय प्रबंध सबसे खालिस्तान स्तर का होता है, मतलब कौन से स्तर का हो गया, ये निम्न स्तर का हो गया। ये तीन स्तर है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। निम्न स्तर को ही हम पर्यवेक्षकीय प्रबंध बोलते हैं और इसलिए पर्यवेक्षकीय प्रबंध निम्न स्तर का है। अंतरराष्ट्रीय परिवेश सदैव खालिस्तान रहता है। अब देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय परिवेश ये किससे रिलेटेड है, व्यावसायिक वातावरण से रिलेटेड है। तो व्यावसायिक वातावरण के दो घटक है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक जो घटक है व्यावसायिक वातावरण के, जितने भी आंतरिक घटक है व्यवसाय के कंट्रोल में है, तो हमारे घर के अंदर की परिस्थिति वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाहरी वातावरण, व्यवसाय के बाहर का वातावरण, जैसे समाज है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, भौगोलिक है, प्राकृतिक है, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है, संस्कृति है ना, तो ये व्यवसाय के हाथ में नहीं है, व्यवसाय को इनके अनुसार बदलना पड़ेगा। तो वो हमेशा परिवर्तन, भाई समाज परिवर्तनशील है, भौतिक स्वरूप परिवर्तनशील है, अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील है, जितने भी बाहरी जो क्षेत्र है वो सब परिवर्तनशील है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिवेश है ये भी व्यावसायिक परिवेश का, व्यावसायिक वातावरण का एक अंग है और ये हमेशा कैसा रहेगा, परिवर्तनशील। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव कैसा रहता है, परिवर्तनशील रहता है, परिवर्तनशील या बदलता रहता है।
कहीं पर आप लोगों को ऐसा भी दिखाई देगा, बदलता रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा आगे पीछे का भी हम थोड़ा सा उसको मीनिंग को समझ लिया करें। नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग बनाना, और प्लानिंग कौन बना सकता है, जिसमें बुद्धि होगी, दिमाग होगा, वही बना सकता है। और बुद्धि से किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उन्हें हम बौद्धिक क्रियाएं बोलते हैं, बौद्धिक प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। फिर एक चयन, अब हम नियुक्तिकरण में आ गए, भर्ती चयन। तो जो चयन करना मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए उनका चुनाव करना। चुनाव करने के लिए अभी हमने देखा था कि उनका व्यक्तित्व परीक्षण करना, रुझान परीक्षण करना, उनका और भी बौद्धिक परीक्षण लेना। तो चयन एक साध्य है, साधन नहीं। चयन एक क्या है, साध्य है, साधन नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है साधन और दूसरा आ रहा है साध्य, ठीक है। अब मान लो ये आपका टेरिस्ट छत है, आपका मकान है और उस मकान की ये छत है। आप इस छत के ऊपर आप चढ़ना चाहते हो तो आप किससे चढ़ोगे, आप इस सीढ़ी से चढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये चढ़ने का क्या हो गई, ये हो गई साधन। और आपको कहां पर चढ़ना है, आपको चढ़ना है ये छत के ऊपर। ये छत आपकी क्या हो गई, साध्य हो गई। मतलब आपको क्या प्राप्त करना है वो साध्य कहलाता है, और जिन साधनों से आप प्राप्त करोगे वो सभी आपके साधन है। तो चयन एक साध्य है, साधन नहीं है। मतलब चयन के द्वारा कर्मचारियों का चुनाव करना है तो वो साध्य हो गया। अब साधन कौन सा होगा, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप उसकी बुद्धि जांच कर रहे हो, आप उसका व्यक्तित्व परीक्षण ले रहे हो, आप उसका रुझान परीक्षण ले रहे हो, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये साधन कहलाएंगे। इनके माध्यम से आपने उसका चयन किया तो चयन क्या हो गया, एक साध्य हो गया, ठीक है। तो चयन एक साध्य है, साधन नहीं है। फिर है बजट, सदैव खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है। बजट, बजट मतलब पैसा, और पैसे हमेशा इसमें गिने जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या के रूप में गिने जाते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो बजट हमेशा किस रूप में होता है, संख्यात्मक रूप में ही व्यक्त किया जाता है, संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम एक शब्द के लिए, कच्चा माल। कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी 2010 में एक प्रश्न आया था कि स्थायी संपत्तियां क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाएगा, तो स्थायी पूंजी का प्रयोग किया जाएगा, कच्चा माल। भाई कच्चा माल मतलब ये फर्म को कार्यशील रखने के लिए आपने कच्चा माल खरीदा, उससे माल बनाएंगे, माल को बेचेंगे, मतलब ये साल भर की प्रोसेस हो गई। तो कच्चा माल खरीदने के लिए हमेशा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, मतलब कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पूंजी का प्रयोग किया जाता है, कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जो कि कार्य में लगी हुई है, कार्यशील मतलब जो कि वर्किंग में है वो। फिर है नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से, नियोजन मतलब प्लानिंग, और इसका जो घनिष्ठ संबंध है वो किससे है, नियंत्रण से। नियोजन और नियंत्रण, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है और नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बिना नियोजन के नियंत्रण संभव नहीं है और बिना नियंत्रण के नियोजन का कार्य नहीं हो सकता। चालू संपत्ति और चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं, तो हमें मालूम है CA-CL = WC, वर्किंग कैपिटल। मतलब चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कार्यशील पूंजी मिलेगी। क्या मिलने वाली है, कार्यशील पूंजी। आगे बढ़ेंगे, किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है। भाई कोई उपक्रम, उपक्रम मतलब फर्म हो गई, कंपनी हो गई, व्यवसाय करने वाली संस्था हो गई। अब ये अच्छी स्थिति में है, इसकी आप पहचान कैसे करोगे कि भाई कोई भी उपक्रम है वो अच्छी मजबूत स्थिति में, मजबूत स्थिति में मतलब उसके पास पैसा है। पैसा कहाँ से आया, लाभ कमाने से आया। इसका मतलब कि इसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होगा, किससे मापोगे, किलो से, लीटर से, टन से, किससे मापोगे, तो यहाँ तो लाभ,
भाई वो फर्म कितना लाभ कमा रही है, जितना ज्यादा लाभ कमाएगी उतना ज्यादा उसके पास पैसा होगा, जितनी ज्यादा पैसा होगा उतनी उसकी स्थिति अच्छी होगी, अच्छी स्थिति होगी तो हम बोल सकते हैं कि उपक्रम कैसा है, सुदृढ़ स्थिति में। सेबी किस बाजार का नियमानुसंवर्धन करता है, ये पहले वाले में बताया था कि बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार का नियमन केंद्रीय बैंक करता है और पूंजी बाजार का नियमन कौन करता है, सेबी करता है। तो सेबी किस बाजार का नियमन एवं संवर्धन करता है, तो पूंजी बाजार का नियमन एवं संवर्धन करता है, ठीक है, पूंजी बाजार का। ये बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए बहुत रिलैक्सेशन वाले क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चंस को इन वीडियोस को यदि आप देख लोगे तो आपको बहुत सारे जो सवालों के जवाब है अपने आप मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और मैं कहीं से आसमान से लेकर नहीं आया, ये सब आपके पास है। आप हर साल परीक्षा दिन पढ़ते हो, उसके पीछे आप सभी को क्वेश्चन के पेपर दिए रहते हैं, लेकिन भाई वहां रटना याद करना वो अलग चीज है और उनको समझना एक्सप्लेन वो अलग चीज होता है। यदि आप लोगों ने उसको समझ लिया कि आगे पीछे की बातों को समझ लिया तो वो याद रहता है, और यदि हमने रट लिया तो वो हम भूल जाए। और इसलिए आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब आ गया सत्य सत्य, ट्रू और फॉल्स। देखिए भावनात्मक परिवेश, भाई परिवेश शब्द आ गया मतलब व्यावसायिक पर्यावरण आ गया। व्यावसायिक पर्यावरण के दो तत्व है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य तत्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, अंतरराष्ट्रीय, ये सब परिवेश आ गया। अब यहाँ पर भावनात्मक परिवेश, ये तो किसी प्रकार का कोई परिवेश नहीं है। तो भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है कि वो परिवेश भावना होती है, इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का कोई वो परिवेश नहीं कहा जाता। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, चयन भर्ती के बाद चयन किया जाता है। 10 बच्चे बैठे हैं उसमें से आपको 5 लोगों को चयन करना है और 5 को बाहर करना है। इसका मतलब चयन कैसी प्रक्रिया हो गई, आपकी निगेटिव प्रक्रिया हो गई, नकारात्मक प्रक्रिया हो गई। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव यदि आप सोचेंगे तो 10 बैठे हैं तो 10 के 10 को आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव, लेकिन आप 10 में से 5 लोगों को चुन रहे हो और 5 को बोल रहे हो कि अब घर जाओ, तो ये आपका जो आउटलुक है कैसा है, निगेटिव है। तो चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, गलत। क्यों? क्योंकि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, उसमें नहीं बोलना आ रहा है। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, भाई आप कंट्रोल कर किसी भी चीज को कंट्रोल करना मतलब अनुशासन आ गया, सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, सही है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, रक्त मतलब खून, जीवन मतलब हमारा शरीर जो है, हमारा जो जीवन कैसे चल रहा है, रक्त से चल रहा है। इसी प्रकार से व्यवसाय जिंदा किससे रहता है, पूंजी से, बिल्कुल सही है, पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है। उत्पादन की वह सीमा जिस पर न लाभ हो न हानि, किस्म नियंत्रण कहलाता है। भाई उत्पादन की वह सीमा जिस पर न तो लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है, ये क्या कहलाता है, ये समविच्छेद बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है, समविच्छेद बिंदु, कई बार आता है ना समविच्छेद विश्लेषण विधि, एक ऐसी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक टेक्निक है समविच्छेद विश्लेषण विधि। तो समविच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु जहां पर न तो लाभ होता है न हानि हो, जैसे मान लो 100 रुपए की वस्तु बनी तो 100 रुपए में ही बेच देना, तो न तो लाभ हुआ न हानि हुई, तो ये ऐसा बिंदु क्या कहलाएगा, समविच्छेद बिंदु कहलाएगा। और ये बोले किस्म नियंत्रण है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। सही जोड़ी में, सही जोड़ी में सबसे पहले देखेंगे सोपान श्रृंखला, भाई सोपान श्रृंखला किसने दिए, तो आप लोगों ने अभी मैंने बताया था कि हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है, और हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए गए हैं, उन 14 सिद्धांतों में एक सिद्धांत कौन सा है, सोपान श्रृंखला। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, हेनरी फ्योल। मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति, क्रांति कौन लेकर आया है, जो साइंस से लेकर के आया वो क्रांति लेकर के आया, ठीक है भाई। 1917 में जो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी यूरोप में, बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ, तो ये जो क्रांति मतलब साइंस से क्रांति आई, और प्रबंध के सिद्धांतों में विज्ञान को कौन लेकर आया, टेलर लेकर के आया। तो यहां पर इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं टेलर। तीसरा है, बाकी ये सारे जो है ये
जो कोर्सेज से हट गए चैप्टर हैं ये उसके हैं और इसलिए इसको हम ध्यान नहीं देंगे। विकल्प में चलेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रबंध है, प्रबंध क्या है तो प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है, हम सभी को मालूम है। नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है, प्रथम चरण है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है, वह नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में पहले होता है भर्ती, के बाद में होता है चयन और उसके बाद में होता है पदोन्नति, मतलब ये सभी भर्ती चयन पदोन्नति ये सभी उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो पहला तो नियोजन हो गया, तो अंतिम क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य। स्कंद विनिमय, स्कंद विनिमय मतलब स्टॉक मार्केट, स्कंद विनिमय मतलब स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में किसका क्रय विक्रय होता है, उत्पाद का, तो भाई जो उत्पाद मतलब प्रोडक्ट वस्तु और उसका क्रय विक्रय मार्केट में होता है। मुद्रा का, मुद्रा बाजार में होता है। प्रतिभूतियों का, प्रतिभूतियां मतलब अंश है ना, इनको हम प्रतिभूति बोलते हैं, और ये प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय कहां होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, और इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा प्रतिभूतियों का। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 2011 का जो पेपर जो था, इसको हमने देखा, बहुत सारे कुछ नए प्रश्न मिले, अधिकांश नए प्रश्न आप लोगों को मिले और वो हमने समझे। अब हम चलते हैं 2012 के ऊपर। 2012 में जो पेपर आया था तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें समान मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2012 का पेपर समझते हैं। प्रबंध खालिस्तान का नौकर है, एक प्रबंध की नियुक्ति की जाती है ना, आज के समय में, आज की जो आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्वामी अलग और प्रबंध अलग होता है, स्वामी के द्वारा प्रबंध की नियुक्ति की जाती है, तो इसलिए जो प्रबंध है ये एक प्रोफेशनल वर्क है, जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इसी प्रकार से प्रबंधक भी होता है। तो प्रबंध किसका नौकर है, तो कई जगह आप लोगों का आंसर मिलेगा व्यवसाय मिलेगा, तो यदि आप व्यवसाय लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, और यदि आप यहां पर लिख देंगे प्रशासन, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मान लो मैं यदि नौकरी कर रहा हूं तो मैं किसकी नौकरी कर रहा हूं, उस सरकारी नौकरी कर रहा हूं, तो यदि एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध बोलते हैं, है ना, प्रशासन बोलते हैं, प्रशासन, प्रशासन मतलब सरकार। इसी प्रकार से कंपनी, कंपनी में प्रशासन मतलब जो उसके जो शासन करने वाले लोग हैं, तो प्रबंध किसका नौकर है, प्रशासन का है या व्यवसाय का नौकर है। प्रशासन भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, व्यवसाय लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। कार्य बदली प्रशिक्षण, अब यहाँ प्रशिक्षण आ गया, प्रशिक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं, अब ये कौन सा प्रकार है, कार्य बदली मतलब बदल बदल के कार्य देना, उससे वो सीखता है, तो कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक कहां पर लोकप्रिय है, तो सबसे अधिक कार्य बदली प्रशिक्षण कहां पर दिया जाता है, बैंकों में दिया जाता है। अब देखना, आप यदि कभी गए हो तो जो कैशियर काउंटर पे जो बैठता पैसा निकालता है, पैसा आपको देता है, पैसे लेता है, कैशियर कहलाता है। अब 3-4 महीने के बाद यदि आप जाएंगे तो वो कैशियर, या फिर 6 महीने बाद जाएंगे तो कैशियर की जगह बदल दी जाएगी, वो कोई दूसरा काम करने लग जाएगा। मतलब बैंकों में बहुत जल्दी कार्य बदल दिया जाता है, जिससे कि वो नए नए काम सीखते हो। समता अंशधारियों को कंपनी में खाली स्थान का अधिकार होता है, भाई अंशधारी दो प्रकार के होते हैं, एक समता और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं और उन्हें कंपनी के मामलों में मत देने का अधिकार होता है, मतदान का। ठीक है, फिर है, ये तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया, आगे बढ़ेंगे हम। द्वितीयक बाजार को खालिस्तान भी कहते हैं, द्वितीयक बाजार मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, स्कंद विपणी। द्वितीयक बाजार को हम क्या बोलेंगे, स्कंद विपणी मतलब स्टॉक मार्केट, जहां पर प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है, बार बार प्रतिभूतियां खरीदी जाती बेची जाती, जैसे कई शेयर बाजार जो होता है, शेयर बाजार में शेयर खरीदे जाते बेचे जाते, तो स्टॉक एक्सचेंज ही होता है, वो स्कंद विपणी कहलाती है, और वही बाजार होता है द्वितीयक बाजार, क्योंकि प्राथमिक बाजार जो है उसमें पहली बार नई प्रतिभूतियों का जो निर्गमन है वो प्राथमिक बाजार में होता है। सही जोड़ी पर आ जाएंगे हम। बजटरी नियंत्रण, अब भाई नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है, अंतिम कार्य है, और नियंत्रण अलग अलग प्रकार से होता है, एक प्रकार है
बजट के द्वारा, बजट बना करके बांध देना कि भाई आपको इतना पैसा हम दे रहे हैं, आपको बस इतना खर्चा करना है। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें पॉकेट मनी देते हैं कि ले महीने के 100 रुपये, तो ये हमारा बजट है कि महीने में आपको 100 रुपये खर्च करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो ये इसके द्वारा वो कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको 1000 भी दे सकते हैं, 10000 भी दे सकते हैं, लेकिन आप उस पैसे को फिजूल खर्च कर दोगे। तो ये वो नियंत्रण कर रहा है बजट के द्वारा, मतलब आपको एक बजट दे दिया कि महीने भर में आपको इतना पैसा खर्च करना है। तो ये नियंत्रण की एक तकनीक हो गई बजट के द्वारा। तो बजटरी नियंत्रण ये क्या हो गया, तो ये परंपरागत नियंत्रण की एक तकनीक है, मतलब पुराने समय से ये चली आ रही तकनीक है। फिर मंदी की अवस्था में क्या किया जाता है, तो ऋण पत्रों का निर्गमन मंदी की अवस्था में किया जाता है। ये आया था कि ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है, तो मंदी की अवस्था में लाभप्रद होता है, उसका जवाब हमें यहां मिल गया। फिर वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन ये आधुनिक नियंत्रण की तकनीक नहीं, वित्तीय प्रबंधन क्या है, चलो लाभ तीसरा हम देखते हैं, ये चौथे वाला लाभ क्या है, उपक्रम की मजबूती का मापदंड। ये हो गया हमारा, और ये भी आ गया कि किसी भी उपक्रम की मजबूती का जो मापदंड क्या होता है, तो वो होता है लाभ। प्रबंधकीय अंकेक्षण, अब प्रबंधकीय अंकेक्षण ये है आधुनिक नियंत्रण तकनीक। आज के समय में ऑडिट के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, जैसे कोई भी अकाउंटेंट है, कोई भी कंपनियां हैं, व्यवसायी है या कोई भी सरकारी संस्थाएं हैं, तो उनको किस चीज का डर लगता है कि वो जो भी लेन देन कर रहे हैं उस लेन देन का ऑडिट होगा, उसकी जांच होगी, और उसमें यदि उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है तो वो पकड़ में आ जाएगा, और इसलिए वो हमेशा लेन देन को व्यवस्थित रखते हैं। तो ये अंकेक्षण करना मतलब ऑडिट, ये कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए करता है। तो ये जो प्रबंधकीय अंकेक्षण है आज के समय की आधुनिक नियंत्रण की एक तकनीक मानी जाती है, और बजटरी नियंत्रण पुराने समय से एक बजट के माध्यम से नियंत्रण किया ही जा रहा है। अब क्या बचा हमारा, वित्तीय प्रबंधन बचा, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंध मतलब दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति, वित्तीय प्रबंधन मतलब दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति आ गई, यह हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब एक शब्द में, यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहेंगे। तो हमने प्रबंध के बारे में पढ़ा है कि प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। तो दो प्रकार के प्रबंधक होते हैं, एक जन्मजात और दूसरे अर्जित। जन्मजात मतलब यदि पिता भी प्रबंधक है और उसका पुत्र भी प्रबंधक बन जाता है तो ये प्रतिभा कौन सी प्रतिभा कहलाएगी, ये जन्मजात कहलाती है। कि वो जन्मजात, जन्म से ही जैसे जो जाति यहाँ चलती है, जन्म से चलती है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, जो मतलब इस प्रकार से जन्मजात ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ यदि पिता प्रबंधक है और पुत्र भी प्रबंधक बन गया तो ये जन्मजात होगा, लेकिन आज के समय में ये राजा का लड़का राजा, ये परंपरा चली गई है, जो योग्य होगा वही माना जाता है राजा। और इसी प्रकार से प्रबंधक आजकल जन्मजात नहीं होते, वो अर्जन क्षमता मतलब वो बनना जाता है। जैसे IIM में बच्चा जब पढ़ता है और उसके बाद जो मैनेजमेंट का कोर्स करता है, मैनेजमेंट सीखता है, मैनेजमेंट का काम करता है, तो एक प्रकार से उसने प्रतिभा को अर्जित किया है, वो तो जन्म से नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है कि पिता प्रबंधक है, पुत्र भी प्रबंधक बनता है, तो ये जन्मजात प्रतिभा है। फिर प्रबंधक के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं, तो भाई सिद्धांत शब्द आ गया, मतलब इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस, और साइंस पूरी दुनिया में लागू होती है, मतलब सार्वभौमिक या सर्वत्र, सार्वभौमिक भी लिख सकते हैं या आप कैसा लिख सकते हो, सर्वत्र भी लिख सकते हैं। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो भाई नियोजन जब भी किया जाएगा तो सबसे पहले उसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों के बाजार का नियमन तथा विकास भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है, अभी मैंने बताया था कि जो पूंजी बाजार है वो प्रतिभूतियों में व्यापार करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, और ये प्रतिभूतियों का जो बाजार है वही बाजार कहलाता है पूंजी बाजार, और ये पूंजी बाजार का जो नियंत्रण और नियमन इसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा, और इसकी स्थापना 1992 में हुई है। त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है, फिर जैसे नियोजन के द्वारा हमने प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है,
अब क्या होता है कि योजना कब सफल होगी, जब आप उस पर नजर रख रहे हो कि जो आपने जो योजना बनाई कार्य उस योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। जब आप देखने जाओगे तो आपको कहीं पर त्रुटि नजर आएगी, कमजोरी नजर आएगी, तो आप उसको सुधार सकते हो। कार्य होने के बाद यदि आप जाओगे तो आप उसको सुधार नहीं सकते हो, लेकिन कार्य के दौरान यदि आपने उस पर नजर रखी, नजर रखना मतलब नियंत्रण करना, तो त्रुटि और कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है, तो नियंत्रण के द्वारा लगाया जाता है। और इसीलिए नियोजन और नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध इसलिए बोला जाता है कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग कब सफल हो सकती है, जब आप नियंत्रण करोगे उसके ऊपर। ठीक है, तो त्रुटि और कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया के द्वारा लगता है, नियंत्रण के द्वारा लगता है। आगे हम बढ़ेंगे सत्य सत्य में। विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है, बिल्कुल, विज्ञापन बाहर से, विज्ञापन के द्वारा कर्मचारियों को बुलाया जाता है, तो ये बाहरी स्रोत है। बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है, इसके पहले वाले पेपर में क्या पूछा था कि बजट खालिस्तान रूप में व्यक्त किया जाता है, तो हमने क्या लिखा था, संख्या के रूप में। अब यहां बोला गुणात्मक, तो बजट में हमेशा पैसों का ध्यान रखा जाता है, संख्या 1 2 3 4 5। अब यहाँ गुण आ गया कि भाई ईमानदार है वो, सुंदर है या वो चतुर है, तो ये गुण हो गए, और बजट में इन गुणों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इसलिए बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि बजट हमेशा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, और पूर्वानुमान पर आधारित होता है, भविष्य के भविष्य पर आधारित होता है। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तो जो प्राथमिक बाजार है बिल्कुल उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। प्रतिभूतियां पहली बार जो प्रतिभूतियों का निर्गमन कहीं से भी हो सकता है। नियुक्तिकरण प्रबंधन का उत्तरदायित्व नहीं है, तो ये गलत। नियुक्तिकरण प्रबंधन का उत्तरदायित्व है, प्रबंध के द्वारा नियुक्तियां की जाती है। परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है, तो ये भी गलत है, क्योंकि परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध नहीं है, वो उसके पक्ष में ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना प्रबंध प्रक्रिया जो चली आ रही है वो यंत्रीकरण मतलब आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका विरोध करता है, ये गलत है। यदि विरोध करता तो आज के समय में आपको टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती। तो परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब हम सही विकल्प की तरफ चलेंगे। पहला हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब लागू किए गए, 1991 में, 1991 में, मतलब कब, जुलाई 1991 में नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, कब, जुलाई 1991 में। भारत में उदारीकरण की नीति रही है, भाई यही जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम है, इन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये कार्यक्रम लागू किए गए। अब ये जो उदारीकरण की नीति जो भारत में कैसी रही, तो पूर्णतः के सफल रही, मतलब यहां पर आएगा सफल, पूर्णतः सफल तो है ही नहीं, सफल लिखा है तो हम सफल लिखेंगे। व्यापारिक पत्र हमारे कोर्स से बाहर हो गया। उद्देश्य कैसे होना चाहिए, तो उद्देश्य आदर्श होने चाहिए, जटिल होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए, एक पक्षी होना चाहिए। तो भाई आप कोई सा भी उद्देश्य बनाओ, वो आपका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक प्रैक्टिकली होना चाहिए, जिसको आप जमीन में उतार सको, जिसको आप अपने जीवन में उतार सको, तो व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 2012 का पेपर। तो अभी तक हमने 2010, 2011, 2012 ये तीनों साल के जो प्रश्न पत्र जो थे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने देखे। अब हम देखेंगे 2013 का। ठीक है, 2013 में इस प्रकार का हमारा पेपर आया था, वो देख लेते हैं हम। ये चीजें बहुत ही हमारे लिए आज के समय में, अभी आज की परिस्थिति में कि जो आपका पेपर होने वाला है और उस कंडीशन में आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पेपर है हमारा कौन सा, 2013 का। ठीक, चलिए, तो 2013 में सबसे पहले रिक्त स्थान, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था। अब यहाँ पर ये जो पेपर है ये सभी फोटो खींचे हुए है ना, और ये सितारे हुए हैं, मतलब किसी के द्वारा उसमें आंसर पहले से लिखे हुए थे, ओरिजिनल पेपर है ना, तो अब ये चितारे हुए थे, और इसलिए क्या है, गलत आंसर भी हो सकते हैं, जो पहले से लिखे हुए गलत, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, तो आप जो पहले से लिखे हुए उस पर ध्यान ना दें, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे रहा।
टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है या कौन था, तो टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था, पहले से भी लिखा था, पेपर देने वाला होशियार था। नियोजन खालिस्तान के बारे में सोचने की प्रक्रिया, नियोजन हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है, ये तो बहुत ही होशियार निकला, पहले से लिखा हुआ है, भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। फिर है व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली प्रभावित करती है, आर्थिक पर्यावरण, पर्यावरण शब्द आ गया मतलब व्यावसायिक पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण में बाहरी घटक के अंतर्गत आर्थिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली प्रभावित करती है, मतलब कौन सी प्रणाली प्रभावित करेगी, आर्थिक प्रणाली ही प्रभावित करेगी, आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली ही प्रभावित करेगी। भारत की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण कुशल प्रबंध का अभाव, हमारे यहाँ जो प्रबंध है वो क्या है, अकुशल है, कुशल प्रबंध नहीं है। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंध के खालिस्तान सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, तो यह सरल है, तो कितने 14 सिद्धांत दिए गए, हेनरी फ्यूल को प्रबंध के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उनके द्वारा 14 सिद्धांत दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, एक शब्द में उत्तर देना है, क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है, भौतिक भैया हाँ लिख रहे हैं, ये गलत है, भौतिक मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ना, लंब लॉन्ग कसरत करना, तो ये भौतिक कसरत हो गई, तो क्या नियोजन दौड़ने से नियोजन होगा, तो भौतिक कसरत नहीं है, यहाँ क्या आएगा, आंसर आएगा नहीं, नियोजन एक भौतिक कसरत नहीं है, वो बौद्धिक कसरत है। हमने देखा था रिक्त स्थान में कि नियोजन खालिस्तान प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया है। समविच्छेद विश्लेषण क्या है, तो समविच्छेद विश्लेषण ये भी मैंने बताया था, समविच्छेद विश्लेषण याद करो कि एक ऐसा बिंदु जहां न लाभ हो न हानि हो, व्यापार में जब न लाभ हो न हानि हो ऐसा जो बिंदु कहलाता है वो समविच्छेद विश्लेषण। ये समविच्छेद विश्लेषण क्या है, तो ये नियंत्रण की एक तकनीक है, ऐसा आंसर लिख सकते हैं। चलो मैं बताया था समविच्छेद विश्लेषण क्या है, तो नियंत्रण की एक तकनीक है, नियंत्रण की एक तकनीक, नियंत्रण की एक तकनीक। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो विज्ञापन अभी हमने देखा था, इसके पहले आया था कि विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, बाह्य स्रोत है, विज्ञापन के द्वारा कर्मचारियों को बाहर से बुलाया जाता है। फिर है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, ये किसने परिभाषित किया है, तो ये प्रबंध व्यक्तियों का लॉरेंस एप्पल है, ये परिभाषा किसने दी है, लॉरेंस एप्पल ने दी है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण मतलब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, देश की अर्थव्यवस्था को आप ऐसा लिख सकते हो, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। ये कहलाता है वैश्वीकरण, इसी को हम बोलते हैं भूमंडलीकरण, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सही जोड़ी की तरफ। अब देखिए देखो सही जोड़ी में हमेशा जब भी आप सही जोड़ी बनाओ तो उसमें इस चीज का ध्यान देना है आप लोगों को कि आप सबसे पहले सरल, आपको जो सबसे ज्यादा सरल लग रहा है उसको पहले कर लो। तो भाई यहाँ पर मुझे क्या सरल लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कार्यशील पूंजी है ना। अब कार्यशील पूंजी का संबंध है वो है चालू संपत्तियों से, और इसका आंसर आ गया हमारा पहला। फिर स्कंद विनिमय, स्कंद विनिमय मतलब, और आगे हम बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट का संबंध किससे है, प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, ये स्टॉक मार्केट में आता है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया स्थायी पूंजी, प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य का संबंध हो गया वित्तीय कार्य से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा चौथा। लाभों को अधिकतम करना, ये वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास में दीर्घकालीन स्थायी व कार्यशील पूंजी और स्टॉक का क्रय, और बचा क्या है, स्थायी पूंजी।
स्थायी पूंजी कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा। एक बार फिर से बता दो, कार्यशील पूंजी का संबंध चालू संपत्तियों से है, स्टॉक मार्केट का संबंध प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना से है, स्थायी पूंजी का संबंध दीर्घकालीन, स्थायी पूंजी दीर्घकालीन होती है, प्रशासनिक कार्य वित्तीय कार्य प्रशासनिक कार्य होते हैं, फिर लाभों को अधिकतम करना वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। और आगे बढ़ेंगे हम एक वाक्य की तरफ। पत्र वाला कोर्स के बाहर है, भारत में पहली स्कंद विपणी कब स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली स्कंद विपणी सन 1857 में स्थापित हुई थी। ठीक है, फिर नियंत्रण संबंधित है, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है और इसका संबंध किससे है? परिणाम से। नियंत्रण किस पर ध्यान देता है? परिणामों पर ध्यान देता है। फिर है रोजगार कार्यालय भर्ती का कौन सा स्रोत है? रोजगार कार्यालय तो ये तो फर्म के बाहर होगा और इसलिए ये कौन सा स्रोत है? बाहरी स्रोत है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह किसने कहा? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये एलन ने कहा है। किसने कहा है ये? एलन मतलब बेलन। चलिए, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम चलते हैं सत्य सत्य की तरफ। 2013 में पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, प्रकार मतलब अलग, एक कौन सा हो गया? मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। दोनों में अंतर भी आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है, ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि दोनों में अंतर है, ये हमारे कोर्स के बाहर है। फिर ये भी कोर्स के बाहर है, कार्य पर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण है, बिल्कुल सही है। कार्य पर प्रशिक्षण मतलब ऑन द वर्क, जहां पर फैक्ट्री में काम हो रहा है वहीं पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर जो विचलन शब्द है, विचलन का मतलब होता है ये नियंत्रण जो होता है ना, प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण। नियंत्रण का काम क्या है? वो जहाँ कार्य हो रहा है वहां पर देखता है, तो वो दो बातों को देखता है, एक है वास्तविक कार्य, ठीक है, और एक होता है प्रमापित कार्य। प्रमापित कार्य मतलब नियोजन, मतलब आपने जो योजना बनाई है वो योजना मतलब प्रमापित कार्य, और वास्तविक कार्य मतलब फैक्ट्री में वास्तव में जो कर्मचारी काम कर रहा है उससे जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक कार्य। अब इसकी तुलना इससे की जाती है कि जो योजना के अनुरूप वास्तविक कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि ये कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है तो जो विचलन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि ये कार्य प्रमाप के अनुरूप नहीं हो रहा होगा तो विचलन कैसा होगा? ऋणात्मक। और एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे मान लो हमारा पेपर 100 नंबर का है, अधिकतम हमारा जो पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, तो ये क्या हो गया? प्रमाप हो गया, भी आपका पेपर 100 नंबर का होगा, ये प्रमाप हो गया। अब जब रिजल्ट आया तो आप 80 नंबर लाए, ये हो गया वास्तविक रिजल्ट आ गया, जब वास्तविक परिणाम आया तो रिजल्ट 80 आया। अब यहां पर जो आपका जो 20 नंबर जो आया ये अंतर आया, कम आए, 100 नंबर आना था और आए 80, तो 20 नंबर ये क्या कहलाया? इसको हम बोलते हैं विचलन। और ये विचलन कैसा है? ये ऋणात्मक विचलन है, क्योंकि ये ऋण में आया, ये ऋणात्मक विचलन है। आपने सोचा था 80 का और आया, आपने सोचे थे 100 का और आया 80, प्रमाप था 100 का, 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 100 आ सकते हैं, तो 80 आए, तो उससे 100 से जितने भी कम आएंगे तो वो ऋणात्मक होगा। अब यदि मतलब 100 में से 100 आ जाता, यहां पर 100 में से 100 आ जाता तो ये धनात्मक हो जाता, तो विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहां बोला है कि विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये गलत है, कि वो धनात्मक भी हो सकता है, कोई बच्चा 100 में से 100 भी ला सकता है। तो ऐसे ही जो नियोजन योजना बनाई गई है, योजना पूरी 100% सही भी हो सकती है, परिणाम 100% सही भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा 2013 का पेपर, है ना। हमने 10 का, 11 का, 12 का और 2000
2013 का पेपर देख लिया, अब हम देखेंगे 2014 का पेपर। तो ये आज का जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत रिलैक्स आपको देने वाला है। यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे कल की तारीख में तो आप लोगों को बहुत इससे मदद मिलने वाली है। मतलब आप लोगों को बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और ये ऐसे समय पर मैं बना रहा हूँ जो आपको आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। चलिए तो 2014 में जो पेपर आया है उसके हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रबंध का सबसे पहला कार्य, भाई थोड़ा बहुत ये पेपर आपको चित्रा हुआ मिलेगा, चित्रा मतलब बच्चा कैसे चितार देता है ऐसा, लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब। प्रबंध का सबसे पहला कार्य कौन सा है, तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य सभी को मालूम है नियोजन है। श्रमिकों के समूह प्रमुख को क्या बोलते हैं, भाई श्रमिक मतलब लेबर, लेबरों का जो नायक लीडर होता है, तो श्रमिकों के समूह प्रमुख को हम बोलते हैं टोली नायक। भाई इसको हमको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, टोली नायक, टोली टोली मतलब समूह, तो श्रमिकों का जो समूह प्रमुख है नायक मतलब नेता, टोली नायक। भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो जिसे एक प्रश्न अभी आया था कि आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली प्रभावित करती है, तो आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। अब आर्थिक प्रणाली हमारे देश में कौन सी प्रणाली है, तो मिश्रित प्रणाली है, ठीक है। तो भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मतलब प्रणालियां एक होती है पूंजीवादी, दूसरी होती है समाजवादी, ठीक है, और एक होती है मिश्रित। तो हमारे देश में हमने कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब दोनों का मिक्स है। हम मतलब दोनों तरफ बैठने वाले लोग हैं, ना हम पूंजीवादी हैं ना समाजवादी हैं, हम दोनों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो इसलिए ना तो हम अमीर हुए हैं ना हम गरीब हैं, ठीक है। फिर है आगे चलते हैं कि खालिस्तान सिद्धांत खालिस्तान बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो नीतियां हमारी जो पॉलिसियां हैं वो हमें बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे मान लो आप कई बार दुकानों पर गए होंगे, एक भाव की दुकान, एक भाव मतलब फिक्स रेट, ठीक है, तो वो उनकी पॉलिसी, एक के साथ एक फ्री, ये फिक्स मतलब ये क्या हो गया, उनकी पॉलिसी हो गई। तो एक्सचेंज, पुराना माल लाओ नया ले जाओ, ये पॉलिसी हो गई। तो ये बताती है कि किस परिस्थिति में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कौन बताता है, नीतियां बताती है। भूतपूर्व कर्मचारियों को बुलाना, ये कौन सा स्त्रोत है, ये बाह्य स्त्रोत कहलाता है। भाई वो तो बाहर ही हो गया ना, तो भूतपूर्व कर्मचारी बाहर हो गया तो ये बाहरी स्त्रोत हो गया। अब हम चलेंगे एक वाक्य की तरफ, भर्ती का आधुनिक स्त्रोत क्या है। भाई आज के समय में आपको भर्ती कहां से पता चलती है, हम सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल पे इंटरनेट है, मतलब आप सभी को भर्ती का जो आधुनिक माध्यम क्या है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही हमें सब कुछ पता चलता है आज के समय। फिर वित्तीय विवरण से विभिन्न अनुपातों की गणना करना, वित्तीय विवरण मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, इनको हम वित्तीय विवरण बोलते हैं, और इन वित्तीय विवरणों से अलग अलग अनुपातों की गणना करना, हमारे अकाउंटेंसी का एक चैप्टर है, कौन सा, अनुपात विश्लेषण, ठीक है। तो वित्तीय विवरण से अनुपातों की गणना करना क्या कहलाता है, अनुपात विश्लेषण। पांच या अधिक वर्षों के लिए की गई वित्तीय योजना क्या कहलाती है, वे वित्तीय योजना तीन प्रकार की होती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। एक वर्ष की योजना होगी अल्पकालीन, एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम के लिए होगी वो मध्यकालीन, और पांच वर्ष या उससे अधिक के लिए होगी तो वो होगी दीर्घकालीन योजना। क्या बोलेंगे उसको, हम उसको दीर्घकालीन योजना बोलेंगे, ठीक है, दीर्घकालीन योजना। एक ही प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न पता चल जाएंगे। किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है, देखो नए निर्गमन कौन से पूंजी बाजार में होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार में। तो आपको आंसर यहां पर मिल गया, प्राथमिक पूंजी बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार, ठीक। माल की पैकिंग की विधि को किस पथ, ये तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम सही जोड़ी देख लेते हैं। सबसे पहला विनियोग निर्णय,
पे विनियोग करने का निर्णय लेना, तो ये वित्तीय कार्य हो गया, फाइनेंशियल वर्क हो गया। लाभ हानि विवरण, ये हो गया अल्पकालीन वित्तीय योजना। पूंजी संरचना, ये हो गया आपका स्थायी पूंजी हो गया। अत्यधिक तरलता, खजाना बिल। अब ये खजाना बिल क्या है, तो मैंने बताया था वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, एक पूंजी बाजार और दूसरा मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार जिन सोर्स में मुद्रा का लेन देन करता है, उसी सोर्स में से एक सोर्स है खजाना बिल, ट्रेजरी बिल जिसको बोलते हैं, वित्त लगाए और ट्रेजरी से उनका भुगतान हो जाता है, ये ट्रेजरी बिल मतलब खजाना बिल। ये अत्यधिक तरल होते हैं, आपने आज बिल लगाया और कल आपको पेमेंट हो जाएगा, तरल लिक्विड, आपने किसी को बोला और आपको पैसा मिल गया, ये अत्यधिक तरलता होती है खजाना बिल में। खजाना, खजाना मतलब ट्रेजर, ट्रेजर आइलैंड हम बोलते हैं ना, तो ये खजाना बिल मतलब सरकार का जो खजाना होता है उसमें आप बिल लगाओगे आपको पेमेंट मिल जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं लगा सकता है ना। शेयर बाजार संगठित होते हैं, शेयर बाजार कैसा होता है, संगठित बाजार कहलाता है। संगठित मतलब भाई देखो, संगठन का मतलब होता है जो पूरे होशो हवास में नियम कानून के साथ में जिसकी स्थापना होती है वो संगठित कहलाता है, और असंगठित मतलब सब अपने अपनी दुकान, ठीक है, तो शेयर बाजार संगठित बाजार कहलाता है। फिर है, अब हम चलते हैं विकल्पों की तरफ। प्रबंध के कितने स्तर हैं, सभी को मालूम है, तीन स्तर हैं, कोई नया है नहीं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है, मैं बार बार उसी बात को रिपीट करता हूं कि वे प्रबंध के सिद्धांतों का जनक हेनरी फ्योल, और वैज्ञानिक प्रबंध का जो जनक है वह कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन आर्थिक सुधार भारत में शुरू किए गए कब, 1991 में, जुलाई 1991। कभी कभी आपको मिल सकता है 1991, कहीं मिल सकता है जुलाई 1991। सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है, ये कहां पर आ गए हम, नियोजन में आ गए, नियोजन हमने प्लानिंग बने, प्लानिंग जब हम बनाएंगे तो हमारे सामने चार, जैसे अभी हमारे पास चार विकल्प है, ठीक है, एक प्रश्न है और उस प्रश्न के चार विकल्प है, चार विकल्पों में से आप एक को चुनेंगे, किसको चुनेंगे, जो सबसे बेस्ट होगा, किस आधार पर चुनेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग वो सही बैठ रहा है कि नहीं, आपने मूल्यांकन किया, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जब आपके सामने ऐसे चार रास्ते हो कि मुझे किधर जाना चाहिए, तो आप उन चारों रास्तों का मूल्यांकन करेंगे, फिर उसमें से जो आपको बेस्ट लगेगा उसका आप चयन करेंगे। आप बिना सोचे समझे, जैसे वो बच्चे खेल खेलते ना, अगड़म बगड़म ऐसा वैसा खेल खेलते ना, और फिर उंगली रख देते हैं कि ये, तो इस प्रकार से नहीं, आप इसमें नियोजन में क्या होता है, पूरी सोच सोची समझी बौद्धिक प्रक्रिया है, तो जो चार विकल्प होते हैं तो उन विकल्पों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन में से जो सर्वोत्तम विकल्प होता है उसका चयन होता है। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित है, तो विश्लेषण और मूल्यांकन पर, पूरी तरह से उसका एनालिसिस होता है, उसका वैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, और फिर उसका चयन किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पदोन्नति भर्ती का किस प्रकार का स्रोत है, पदोन्नति करना मतलब प्रमोशन देना, तो पूर्व से कार्यरत जो कर्मचारी है उसको पदोन्नत करना होता है, तो पहले अंदर का व्यक्ति हो गया, तो ये कौन सा स्रोत है, ये आंतरिक स्रोत है। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, आंतरिक स्रोत, ठीक है। तो और बच्चे क्या, हाँ सत्य सत्य बच्चे। नियोजन निर्णय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, बिल्कुल, नियोजन और नियंत्रण दोनों घनिष्ठ है वो, तो नियोजन निर्णय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, भाई नियोजन से आप निर्णय आसानी से ले सकते हो, तो निर्णयन प्रक्रिया को आसान बनाता है। निर्माण व नियोजन में कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है, संबंध होता है, विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विचलन धनात्मक भी हो सकता है, ये हमारे कोर्स के बाहर है, ये भी हमारे कोर्स के, ठीक। तो ये थे हमारा 2014, 10, 11, 12, 13 और 14, पांच साल के जो पेपर हैं वो हमने आज हल कर लिए, ठीक। तो हमारी जो क्लास है ज्यादा लंबी हो रही होगी,
तो ये 5 साल के जो पेपर हैं, इन 5 साल के पेपरों को आप इस वीडियो को देखिए। कल मुझे समय मिला तो कल फिर इसके बाद वाले, अभी हमने 2010, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक के 5 साल के किए। कल शाम में फिर मैं क्लास लूँगा, उसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 पिछले 7 साल के जो पेपर है उनको हम कर लेंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो 32 out of 32 आप 100% ले आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे क्या होता है, क्योंकि गैसिंग आती है ना, हम फटाफट हम अपने दोस्तों को कर देते हैं। तो भैया आप जो गलत काम करते हो उसमें जब अपने दोस्तों को शामिल करते हो, तो यहाँ तो हम मेहनत कर रहे हैं, पिछले जो पेपर हैं उन पेपरों को हम हमारे हल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि आपका दोस्त भी इसका फायदा ले सके। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल शाम में फिर एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। कल यदि होगा तो हम लाइव आएंगे, ठीक है। और जो लाइव में पूरे 7 जो पेपर हैं 2015 से लेकर 22 तक के जितने भी पेपर हैं उनको हम हल करेंगे, क्योंकि कल का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल तो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको देखने का समय नहीं रहेगा, इसलिए कल की क्लास हमारी लाइव रखेंगे हम। कल हमारी जो क्लास 8 बजे रखेंगे, तो 8 से फिर हमारी क्लास जितनी देर भी चलेगी तो आप लोगों के लिए गर्मा गर्म आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट।